सिविलियन किलिंग बंद करो, बंद करो। सिविलियन किलिंग बंद करो, बंद करो। सिविलियन किलिंग बंद करो, बंद करो। सिविल बदनाम मत करो, मत करो, मत करो। कश्मीरियों को बदनाम मत करो, मत करो, मत करो। कश्मीर को बदनाम मत मत करो, मत करो। कश्मीरियों को बदनाम मत करो, मत करो। वी वोट, 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 वी वोट। सिविलियन किलिंग बंद करो, सिविलियन किलिंग बंद करो, बंद करो। सिविलियन किलिंग बंद करो, बंद करो। सिविलियन किलिंग बंद करो, बंद करो। वी वोट, वी वोट, बंद करो। मजदूरों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। कश्मीरियों को बदनाम बंद करो। ये जोज नार दा पंदा ये थोड़ा क्रिसमस पास फकम रे पाव जा ये नार फ्लाई पास ये कौन फनस एनपी एनपी कौन फनस नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे तकबीर अल्लाह अकबर कश्मीर और कश्मीरियों के जलसाज साइट्स को बंद करो, बंद करो, बंद करो। साइट्स को बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंसाफ जो साइटें चल रही है इनको सामने लाओ, जो साइटें गरीब आवाम के साथ चल रही है इनको सामने लाओ। मजदूरों का कत्ल, कश्मीरियों को बदनाम मत करो, मत करो। कश्मीरियों को बदनाम मत करो, मत करो। कश्मीरियों को बदनाम मत करो, मत करो। सर आपका नाम? शेख जावेद गंदरबल। ये जो सिविलियन किलिंग हुई है यहाँ पर, ये अनफॉर्चुनेट है, बारबरिक है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसीलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं होम मिनिस्टर साहब से, एलजी साहब से, कि इसकी गैर जानबदाराना तहकीकत हो और कल जो भी कलेक्ट्रेट्स इसमें इन्वॉल्व हो उनको बुक किया जाए। देखिए, हम हर किसी किलिंग का जो हुई है यहाँ पर उसका कंडम करते हैं, क्योंकि इस्लाम किसी को मारने की इजाज़त नहीं देता है। कश्मीरी लोग माने जाते हैं मेहमान नवाजी के लिए और हमें लगता है कि इसकी कोई साजिश है कश्मीरी को बदनाम करने की। इसीलिए तो हमने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि ताकि इसकी ये तहकीकात हो, गैर जानबदाराना तहकीकात हो और पता चले कि कौन लोग हैं जो कश्मीरी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है इस लॉ पर, क्योंकि यहाँ इतनी एजेंसियाँ हैं जिनकी जिम्मेदारी भी ये है कि उनका दायित्व बनता है कि वो पता करे कि कौन है पीछे जो कश्मीरी को वर्ल्ड में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीरी हमेशा माने जाते हैं हॉस्पिटलिटी और प्रोटोकॉल को। इसीलिए तो हमने यहाँ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी आज तक सिविलियन किलिंग हुई, इनके इससे पहले भी और ये किलिंग भी हुई है, उनकी गैर जानबदारी तहकीकत हो और कोई पॉलिटिकल प्रेशर इसमें ना आ जाए और पता चले कौन लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हम भरोसा रखते हैं लॉ पर, क्योंकि लॉ ही सबसे बड़ी चीज़ है। किसी को गलत रास्ते पर जाने की इजाज़त नहीं देना, तो इस्लाम देता है। और ये तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पर, हम तो मजम्मत करते हैं गहरे अल्फाज़ों से। ये जोज नार दा पंदा ये थोड़ा क्रिसमस पास फकम रे पाव जा ये नार फ्लाई पास कौन फनस एनपी एनपी कौन फनस नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे तकबीर अल्लाह अकबर कश्मीर और कश्मीरियों के जलसाज साइट्स को बंद करो, बंद करो, बंद करो। साइट्स को बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंसाफ जो साइटें चल रही है इनको सामने लाओ, जो साइटें गरीब आवाम के साथ चल रही है इनको सामने लाओ। मजदूरों का कत्ल, कश्मीरियों को बदनाम मत करो, मत करो। कश्मीरियों को बदनाम मत करो, मत करो। कश्मीरियों को बदनाम मत करो, मत। जम्मू कश्मीर आप लोग यहाँ
अपना रोजगार कमा रहे हैं, आप अपना यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, किसी के घर में जाके आप खाना भी खाते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, बाहर जाकर आप यहाँ से जाके पता नहीं क्या क्या टीवी रिपोर्ट यहाँ पे पहुंचे। लालचौक प्रेस कॉलोनी में इनका प्रदर्शन जारी है, इनके स्लोगन जो है कश्मीर और कश्मीर को बदनाम मत करो। आइए इनसे बात करके जानते हैं कि आज का प्रोटेस्ट जो है किस हवाले से है। बस थैंक यू, थैंक यू। प्रोटेस्ट हो रहा है किस हवाले से हो रहा है? ये हो रहा है कि यहाँ पे सिविलियंस जो किलिंग हुई है, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ ये जो बार बार हो रहा है नहीं हो, और हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि अब इस तरह की कोई तहकीकात हो, वास्ट तहकीकात हो, ताकि आइंदा ना हो। तो इसीलिए ये यहाँ पे हमारे सिख बहन को मारा गया, पंडित को मारा गया, मुसलमानों को भी, यहाँ के रहने वालों को भी, लोकल्स को भी मारा गया, गैर रियासती हमारे कई भाइयों को भी यहाँ पे गोली मार दी गई, और हमारा इससे दिल दुखता है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी को यहाँ कोई तकलीफ हो। यहाँ के जो आवाम है वो अमन पसंद लोग हैं, हम यहाँ अमन चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, और कारोबार चाहते हैं, हमारा टूरिज्म इसी पर वाबस्ता है। हम चाहते हैं कि बाहर के लोग यहाँ आएँ हमारे साथ, यहाँ ये जो कश्मीर ये जन्नत का नज़ारा है यहाँ देखें, इससे यहाँ की मईशत चलती है। हम नहीं चाहते कि हमें बाहर लोग बदनाम करें कि कश्मीरी लोग ऐसा करते हैं। यहाँ सब लोग जो है रहने वाले जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ किसी को कोई तकलीफ हो। तो कौन बदनाम कर रहा है और किन को बदनाम कर रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपको नहीं लगता है जो रिसेंटली किलिंग हुई, पहले माइनॉरिटी से स्टार्ट हुआ, उसके बाद नॉन लोकल लेबर्स की किलिंग हुई, उसके बाद उन्होंने कल यहाँ से जो है अपने घर वापस चले गए, आपको नहीं लगता है कि 90 में भी सेम सिचुएशन यही थी जो आज देखने को मिल रही है? देखिए भाई साहब, मैं 90 से ये खुद देखता आया हूँ, भुगत भी रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे बेगुनाहों को मारा गया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि बार बार इसकी जानिबदाराना तहकीकात हो। ये जानिबदाराना का मतलब कि अपने देश में ये लोग जो चाहते हैं अमन हो, हमारी जो एजेंसियां हैं वो लोग इसका वास्ट तहकीकात करें, किसी एक तरफ उंगली ना उठाए, अपने यहाँ भी मुनज़म तहकीकात करें, और चाहते हैं कि जो लोग इसके पीछे हैं या जो लोग इसके पीछे रहे हों, जो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, हो सकता है किसी का इसका सियासी फ़ायदा हो सकता है इस तरफ भी जाना चाहिए, और जो हमारे सियासतदान जो यहाँ पे कुर्सियों पे रहे हैं, जिन्होंने यहाँ हुकूमती की है, सब लोग अच्छे हैं मेरी नज़र से, लेकिन सबको तहकीकात के दायरे में लाया जाना चाहिए, ताकि उनके रोल को भी चेक किया जाना चाहिए। और नहीं, ये जो कश्मीरी लोगों को बाहर जाके यहाँ बदनाम किया जा रहा है, चैनलों पर तरह तरह का डिबेट्स में कश्मीरियों को टारगेट किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। और इस तरह से यहाँ के लोगों का दिल दुखता है, और कोई इसमें आप लोग जंग छेड़ते हैं ये टीवी चैनल्स पर, और कश्मीरी को नीचा दिखाने का काम ना किया जाए। और हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ किसी को कोई तकलीफ हो, हम नहीं चाहते हैं कि कोई गैर मुस्लिम मारा जाए, या कोई हमारा सिख भाई हो, हिंदू भाई हो, कोई और किसी मज़हब का हो, या कोई गैर रियासती हो, उसको यहाँ कोई तकलीफ हो या किसी को मारा जाना चाहिए, ये कश्मीरी लोग नहीं चाहते हैं। तो जिन्होंने भी ये किया, जो टेरर आउटफिट्स है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है इन अटैक्स की, आप उनकी मजम्मत करते हैं? वही तो मेरे भाई, हम इस सिविल किलिंग्स की, बेगुनाह लोगों के मारे जाने की हम मजम्मत करते हैं, बार बार करते आए हैं, लेकिन खाली मजम्मत से क्या होगा? सब सेक्शन जो ऑल सेक्शन जो पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो वादी कश्मीर के लोग जो या जम्मू के लोग जो, सारे सेक्शन के लोगों ने इसकी मजम्मत की है। मजहब तो हम हमेशा करके आए हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अब नहीं, जब भी ये होता है कोई नई टेररिस्ट पार्टी, कोई नई बंदूक बरदारों की पार्टी नमोदार होती है, जिसको कश्मीरी लोगों ने कभी जाना ही नहीं है, जिसको कभी किसी ने पहचाना नहीं है। यहाँ पर जो तंजीमी रही है, जो तंजीमी बरसे पेकार है यहाँ के सिक्योरिटी फोर्स के साथ, जो जंग लड़ रही है, तो वो उनका नाम सबको पता है। ये जो नई पार्टियाँ, कभी TRF, कभी कोई और पार्टी, अब कोई ULF और है, किसी को कोई नहीं जानता है। वही तो कह रहे हैं हम लोग, इसका वास्ट तहकीकात हो, ताकि ये सिविलियन किलिंग्स है, ये इनको रोका जाना चाहिए, और कश्मीरी को बदनाम करना छोड़ दिया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि किसी को यहाँ कोई तकलीफ हो या किसी को मारा जाए। हम मुकम्मल तौर पर यहाँ के रहने वाले होकर, यहाँ के सीनियर सिटीजन जो है, हम चाहते हैं हम इसकी मजम्मत करते हैं, और यहाँ अमन चाहते हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। सब सेक्शन के जो मज़हब के जो लोग हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब यहाँ आकर रहे। किसी को यहाँ कभी कोई आपस में प्रॉब्लम थी ही नहीं, ना हिंदू को मुसलमान से कभी प्रॉब्लम थी, ना मुसलमान को हिंदू से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये सब सियासी तौर पर सियासी खेल खेले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि तहकीकात हो और साफ शफाफ हो, जिसमें किसी शक शुबे की बात ना हो, ताकि कोई सवाल उठा सके। थैंक यू भाई साहब। ये हमारे ये हमारा भाई है और हम इकट्ठे हैं। ये हमको सिर्फ कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इस वक्त किलिंग हो रही है, ये सिर्फ महज कश्मीरी नौजवानों को बदनाम करने के लिए करे। हमारा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफ़ा एक आदमी आया तो उस आदमी ने बोला हमारी मुर्गी को मुसलमान ने आँख निकाली। तो जब उसने सुना तो उसने बुलाया उस आदमी को और बोला उस गैर मुस्लिम को, बोला भाई आप इसकी आंख निकालो, ये जो आपने इसने मुर्गी की आंख निकाली, आप इसकी खुद की आंख निकालो। फिर सिफारिश के लिए वही गैर मुस्लिम आता है, भाई इसको छोड़ो। बहुत तनकीद करता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, इतना गुजारिश करता है, बोलता है भाई इसको छोड़ो, इसको हम माफ़ करते हैं। हम कश्मीरी ऐसे हैं, कश्मीरी ऐसा है मेहमान नवाजी में। आप 600 साल पुरानी हिस्ट्री निकालो और देखो कश्मीरी कितना मेहमान नवाज है। हम आपस में भाई भाई है, हम आपस में रहते थे, हमारा कल्चर एक था, हमारा सब कुछ एक था। हम मारने के साथ नहीं है। तो कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है, क्या मोटिवेशन है, ये हमें पता नहीं। सिर्फ महज कश्मीरी को बदनाम करने के लिए ये हो रहा है सारा कुछ, और कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। ये सिर्फ महज कश्मीरी नौजवान को ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी हम जानते ही नहीं है ये पार्टियां कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, किस तरह से आ रही है, ये भी हमको पता ही नहीं है। इतना बड़ा हिंदुस्तान और उनको नहीं पता चलता ये कौन से आते हैं, कैसे मारते हैं। आज तक देखो, आज आप यहाँ बिहार के लोग नहीं आए, आज से ये कम अज़ कम 100 साल पुरानी यहाँ काम करने के लिए बेचारे मजदूर लोग आ रहे हैं। यहाँ कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। आप देख लीजिए हम मोहम्मदन कितना रेस्पेक्ट करते हैं, अपने घरों में बिठाते हैं, अपने माँ बहनों के साथ बिठाते हैं। हमने कभी उनके साथ छेड़खानी नहीं की। ये पता ही नहीं, ये महज एक साजिश के तहत कश्मीरी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और बाकी कुछ नहीं है। यहाँ बेरोज़गारी किस तरह बढ़े, हमारा नौजवान किस तरह बेकार हो जाए, हमारा माशरा किस तरह ख़राब हो जाए, बस यही कश्मीर के पीछे सारी एजेंसी लगे हैं। इसकी हम मजम्मत करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये आइंदा नहीं, इस पर आपको लगाम लगानी चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ये कौन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं ये। हम तो इसके साथ नहीं हैं, हम इसको कंडम करते हैं, कंडम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ कुछ नेशनल पीपल्स फ्रंट के लोग, इनका यही कहना है कश्मीर और कश्मीरियत को बदनाम ना करो। हम कभी कत्ल के, हम कभी ऐसे इंसिडेंट्स के साथ नहीं है। जो भी मिलिटेंट आउटफिट्स कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। और इनका ये भी मानना है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हम एक ही डिमांड करते हैं, जो भी इस मिलिटेंट संगठन में है उनको सामने लाया जाए, वास्ट जो है तहकीकात होनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। विद कैमरा पर्सन साहिल मीर नासिर खान, आईटीवी न्यूज़ नेटवर्क के लिए श्रीनगर। शेख जावेद गंदरबल। ये जो सिविल किलिंग हुई है यहाँ पर, ये अनफॉर्चुनेट है, बारबरिक है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसीलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं होम मिनिस्टर साहब से, एलजी साहब से, कि इसकी गैर जानबदाराना तहकीकत हो और जो भी कलेक्ट्रेट्स इसमें इन्वॉल्व हो उनको बुक किया जाए। देखिए, हम हर किसी किलिंग का जो हुई है यहाँ पर उसका कंडम करते हैं, क्योंकि इस्लाम किसी को मारने की इजाज़त नहीं देता है। कश्मीरी लोग माने जाते हैं मेहमान नवाजी के लिए और हमें लगता है कि इसकी कोई साजिश है कश्मीरी को बदनाम करने की। इसीलिए तो हमने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि ताकि इसकी ये तहकीकात हो, गैर जानबदाराना तहकीकात हो और पता चले कि कौन लोग हैं जो कश्मीरी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है इस लॉ पर, क्योंकि यहाँ इतनी एजेंसियाँ हैं जिनकी जिम्मेदारी भी ये है कि उनका दायित्व बनता है कि वो पता करे कि कौन है पीछे जो कश्मीरियों को वर्ल्ड में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीरी हमेशा माने जाते हैं हॉस्पिटलिटी और प्रोटोकॉल को। इसीलिए तो हमने यहाँ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी आज तक सिविलियन किलिंग हुई, इनके इससे पहले भी और ये किलिंग भी हुई है, उनकी गैर जानबदार तहकीकात हो और कोई पॉलिटिकल प्रेशर इसमें ना आ जाए और पता चले कौन लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम लोग
राष्ट्रवादी लोग हैं, हम भरोसा रखते हैं ला पर, क्योंकि ला ही सबसे बड़ी चीज़ है। किसी को गलत रास्ते पर जाने की इजाज़त नहीं देता, तो इस्लाम देता है। और ये तो हम, ये तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पर, हम तो मजम्मत करते हैं गहरे अल्फाज़ों से। जो इस वक्त कत्लेआम हुआ गरीब मजदूरों का, बदनाम करने की कश्मीरियों को, हमारी कश्मीरियत रही है इंशाल्लाह, ये सखावत है रहेगी हमेशा तक, हमारी मान नवाजी रहेगी। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के उन टूरिस्ट से पूछा जाए, भाई से पूछा जाए, कश्मीरी कितनी कश्मीरियत नवाजित करते हैं और क्या क्या सलूक करते हैं आपसे, कितनी में बिल्कुल बिल्कुल मुझे कश्मीरियों को बदनाम बंद करो, बंद करो, बंद करो, गैंग वार बंद करो, बंद करो, बंद करो, वी वांट, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, कश्मीरियों को बदनाम करना बंद करो, बंद करो, कश्मीरियों को बदनाम करना बंद करो, बंद करो, वी वांट, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, सिविलियन किलिंग बंद करो, बंद करो, सिविलियन किलिंग बंद करो, सिविलियन किलिंग बंद करो, बंद करो, सिविलियन किलिंग बंद करो, बंद करो, सिविलियन किलिंग बंद करो, कश्मीरियों को बदनाम करना बंद करो, बंद करो, कश्मीरियों को बदनाम करना बंद करो, बंद करो, कश्मीरियों को बदनाम करना बंद करो, बंद करो, इतिहास जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद, जिंदाबाद, मासूमों का कत्ल बंद करो, बंद करो, बंद करो, किलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेगुनाहों का कत्ल बंद करो, बंद करो, बंद करो, थैंक यू। ये जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट, जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट आज एहतजाज कर रही है। जो भी यहाँ इनोसेंट किलिंग्स हो रही है, चाहे वो हमारे मजदूर भाई हैं, चाहे वो उसाजा किराम हैं, चाहे वो सिख है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी हो, तो उस चीज़ के खिलाफ हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल अमन और शांति के ख्वाह हैं, अमन और शांति से रह रहे हैं, रह चुके हैं और रह भी रहे हैं। जम्मू कश्मीर का लोग किसी भी तरीके से बदअमन नहीं है, हम अमन पसंद लोग हैं। हमें विरासत मिला है कि हम टूरिस्टों को यहाँ पर रिसीव करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उन्हीं की से हम रोजी रोटी अपना कमाते हैं। हमें सिखाया गया हॉस्पिटैलिटी, किस तरह से हम इनको प्यार दें, किस तरह से हम इंसानियत की खिदमत कर सकें। लेकिन कुछ लोग ऐसे निकल आए हैं जो बेगुनाह लोगों को पीछे से गोली मार कर मार देते हैं, जिससे यहाँ का अमन चैन खराब हुआ है, जिससे यहाँ का अमन दरहम बरहम हो रहा है, जहाँ से हर एक को अब इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। तो मैं यहाँ आपके ज़रिए अपने पूरे देश को, अपने पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी बाहर तालीम कर रहे हैं, हमारे फ्रूट ग्रोवर्स भी जा रहे हैं, शाल वाले भी जा रहे हैं। कहीं खुदा ना करे अगर आप लोग आज खामोश रहे, कहीं खुदा ना करे ऐसा हो कि फिर हमें पछताना पड़े। हमें चाहिए कि आज हम अपना वो देरेना, जो हमारा सदियों पुराना रिश्ता है प्यार मोहब्बत का, इसको इजहार करने के लिए एक साथ आए। हमने कॉल भी दी हुई है कि कल 7 बजे से 11 बजे तक कश्मीर बंद रहेगा इन इनोसेंट किलिंग्स के खिलाफ। मैं आपकी वसात से कहना चाहता हूँ कि अगर पहली बार जो 90 में जो लोग मारे गए, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, अगर उस वक्त इस कश्मीरी कौम ने
बाहर आकर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया होता तो शायद आज हजारों की तादाद में हमें ये लाशें नहीं मिलती। आज भी मौका है, आइए हम सब इसके खिलाफ जदोजहद करेंगे, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। हम पुरमन लोग हैं, ये साजिशें हैं कश्मीरियों को पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए कि देखिए किस तरह एक इनोसेंट लेबर को मार रहे हैं, किस तरह एक उस्ताद को मार रहे हैं। ये कश्मीरियों के खिलाफ एक साजिश है और इस साजिश को हम नंगा करके ही रखेंगे। देखो ये हर एक जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों हो रहा है। जम्मू कश्मीर में ये क्यों हो रहा है, यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अगर हम गांधी जी का रास्ता अपना लेते हैं तो बेहतर रहता। जहाँ हम किसी को पत्थर मारेंगे तो वो गोली मारता है, क्यों ना प्यार से उसे बोले, उसको गले लगाकर दो चार चुम्मे लगाकर उसे बोले भाई मेरी ये तकलीफ है, क्या आप हल कर सकते हैं, क्या वो नहीं करेगा, कर सकता है। लेकिन जब हम वायलेंस पर आते हैं तो नतीजन अगर मैं आपको मारूं तो आप भी मारेंगे। तो मेरी गुजारिश सभी से है कि जो कुछ भी है, जो भी मामले हैं, जो भी मसले हैं, इन सब मसलों को प्यार मोहब्बत से ही हल किया जा सकता है, ना कि झगड़े से।